एक बिहार की महागठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है तो नाराजगी जैसे सवाल तो उठ रहे हैं। के पाठक से हुए विवाद के बाद से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ऑफिस नहीं जा रहे। ट्रांसफर पोस्टिंग रोके जाने के बाद से भूमि और राजस्व सुधार मंत्री आलोक मेहता किसी का फोन नहीं पिक कर रहे। आरजेडी के बाकी मंत्रियों का भी यही हाल है, वे सारे अपने अपने विभाग के अधिकारियों की वजह से काम नहीं करवा पा रहे हैं। विधायकों का तो हाल और भी बुरा है, एक छोटे से काम के लिए वे चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अधिकारियों की हनक और सनक के साथ सरकार चलाए जा रहे हैं। वामपंथी दल डोमिसाइल नीति और फिर कटिहार गोलीकांड को लेकर नीतीश कुमार से नाराज हैं, लेकिन नीतीश कुमार न आरजेडी और न ही वाम दलों की सुन रहे हैं। सुन तो वे कांग्रेस की भी नहीं रहे। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए नीतीश कुमार को राहुल गांधी ने पटना में कहा था, लेकिन उस बात के भी डेढ़ महीने बीतने के बाद, मतलब कि नीतीश कुमार पर तीनों तरफ से दबाव है, लेकिन वे सबको छोड़कर अपने नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और अपनी सियासी हैसियत को तौल रहे हैं, मतलब कि नीतीश कुमार अगली प्लानिंग में लगे हैं। सवाल ये कि अब उनकी अगली प्लानिंग क्या होगी। बिहार महागठबंधन में इतने घमासान हों तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो किसी की सुनते नहीं, राजनीतिक रूप से उन्हें जो सही लगता है वह अपने मन की करते हैं। अब स्थिति यह है कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की ओर से उन्हें दोबारा एनडीए में आने का निमंत्रण दिया गया है। सीधे तौर पर अठावले ने कहा कि उन्हें एनडीए में आ जाना चाहिए। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठकें कहीं और, इशारा कहीं और। माना जा रहा है कि जब जब बिहार में सरकार बदली है, नीतीश कुमार की ऐसी ही बैठक देखने को मिली है। बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि नीतीश कुमार ऐसे नेताओं में से तो बिल्कुल भी नहीं है जो किसी के दबाव में आ जाएं। विपक्षी एकता का मंच खड़ा कर नीतीश कुमार ने अपनी पॉलिटिकल क्षमता का प्रदर्शन किया। ऐसे में वो कांग्रेस, आरजेडी और वामदल से दबाव में आते दिख नहीं रहे। जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के दबाव को बर्दाश्त नहीं किया तो वे अन्य किसी पार्टियों के दबाव को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। रामदास अठावले के ऑफर पर अब ये कहा जा रहा है कि आरजेडी, कांग्रेस और वामदलों ने ज्यादा आंखें तरेरी हैं, उनके लिए फिर भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाना मुश्किल नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो नुकसान विपक्षी एकता का ही होगा। जेडीयू खेमे का ये मानना है कि अगर नीतीश कुमार ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो विपक्षी एकता का ये मंच भर भर आकर गिर जाएगा। ये बात नीतीश कुमार बखूबी समझ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।